हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। बीते कुछ 14 सालों से इस चीज के लिए हम तरस गए थे कि कब हमारी टीम इंग्लैंड में सीरीज जीतेगी। फाइनली ये मौका आ गया है। हमारी टीम अब सीरीज हार नहीं सकती है। अगर मैच ड्रॉ होता है तो भारतीय टीम 14 साल बाद, जी हाँ, वनवास जो है बिल्कुल हमारा खत्म होगा इंग्लैंड में सीरीज जीतने का। उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड ये मैच ना जीते, सीरीज बराबरी पर ना रहे, या तो भारत जीते या फिर मैच ड्रॉ हो, तो भी जो है पटौदी ट्रॉफी बिल्कुल भारतीय टीम की झोली में जाएगी। अब काफिला जो है बिल्कुल आ पहुंचा है ओवल के मैदान के बाद सीधा मैनचेस्टर, जहां पे ओल्ड ट्रैफर्ड में दोनों ही टीम सामने सामने होंगी। बात करेंगे प्रोबेबल 11 क्या भारत की हो सकती है, पिच और वेदर किस प्रकार रहने वाला है, और फैंटेसी 11 कौन सी बेहतरीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं फिर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से। कौन से 11 खिलाड़ी इस दफा आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनिंग से। देखिए, ओपनिंग में रोहित शर्मा जबरदस्त सेंचुरी लगाने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भी जो है बेहतरीन परफॉर्म करना चाहेंगे। इसके साथ साथ केएल राहुल उनका साथ देंगे ओपनिंग जोड़ी में। इसके बाद आएंगे चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, और उसके बाद देखिए यहाँ एक बड़ा आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है मोस्ट लाइकली ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं अजिंक्य रहाणे इस टेस्ट मैच से। सूर्य कुमार यादव या फिर हनुमा विहारी के साथ टीम मैनेजमेंट जाना चाहेगा। लगातार 4 मैचेस हो चुके हैं अजिंक्य रहाणे का, केवल 1 हाफ सेंचुरी आई है, और बहुत एक्सपेक्टेशन उनसे 4th टेस्ट मैच में थी, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर पाए। मजबूरन आप देख सकते हैं कि शायद टीम इंडिया को हनुमा विहारी या फिर सूर्य कुमार यादव दोनों में से एक खिलाड़ी के साथ जो है ज़रूर जाना होगा। इसके बाद 6 नंबर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग की भूमिका निभाएंगे, विकेट कीपर के तौर पे वो ज़रूर आपको खेलते हुए देखेंगे। इसके बाद रविंद्र जडेजा मोस्ट लाइकली आपको 5 टेस्ट मैच में भी जगह बनाते हुए देखेंगे। इसके बाद आएंगे शार्दुल ठाकुर। देखिए, शार्दुल ठाकुर को कोई नहीं हटा सकता है टीम से, क्योंकि उनके 2 हाफ सेंचुरी पिछले टेस्ट मैच में, विकेट्स भी उनकी झोली में थे, तो आई थिंक उनका खेलना बिल्कुल बनता है। इसके बाद 9 नंबर पर जो है बात होती है जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ज़रूर टीम इंडिया बुमराह के साथ जाना चाहेगी। 10वें नंबर पर अब आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है उमेश यादव बरकरार रखेंगे अपनी जगह, और 10वें नंबर पर ज़रूर आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं 11वें नंबर पर। अब देखिए, मोहम्मद सिराज पिछला टेस्ट मैच ठीक ठाक गेंदबाजी थी, लेकिन मोहम्मद शमी अगर बिल्कुल फिट हो चुके हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोस्ट लाइकली शमी कमबैक करेंगे, और उस हिसाब से मोहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि उमेश यादव ने शानदार परफॉर्मेंस जो है 4th टेस्ट मैच में दी है, तो इसमें बहुत मुश्किल है कि यादव बाहर बैठें और जो है फिर आप शमी को रिप्लेस करें। एक्सपीरियंस कैंपेनर्स के साथ जरूर टीम इंडिया जाना चाहेगी, शमी, उमेश और उनके साथ साथ जो है जसप्रीत बुमराह। तो इस हिसाब से फास्ट बोलिंग अटैक हमारा रहेगा। इसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर 4th पेसर की भूमिका निभाएंगे। रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर से आपको मैदान के बाहर ही नजर आएंगे, क्योंकि पहले 4 टेस्ट मैचेस जरूर मौका मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से लग तो यही रहा है कि रहाणे के साथ साथ अश्विन जो है इस टेस्ट मैच में जगह नहीं बना पाएंगे, और ये 11 खिलाड़ी आपको जरूर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेलते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो है वो किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले ओपनर्स पर नजर डालें तो यहाँ पर रोरी बंस के साथ हसीब हमीद की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आएंगे डेविड मलान, जो रूट, और फिर 5 नंबर पर जॉनी बेस्टो। 6 नंबर पर वापसी होगी जॉश बटलर की, यानी ओली पोप को शायद आप ज़रूर बाहर बैठता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद जो है मोइन अली आएंगे, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो मोइन अली की जगह बनेगी बिल्कुल। इसके बाद क्रेग ओवरटन और उनके साथ साथ जैक लीच में से कोई एक खिलाड़ी ज़रूर आपको खेलता हुआ देख सकता है। ओवरटन जिस तरीके से आउट हुए तो उमेश यादव की गेंद पर, तो इंजरी की शिकायत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। और जैक लीच को जो है मेन स्क्वाड में शामिल किया गया जॉश बटलर के साथ, संभावना है कि उन्हें मौका ज़रूर जो है 5वें टेस्ट मैच में मिल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं बाकी के कौन से खिलाड़ी रहेंगे, तो इसमें ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन और फिर जो है क्रिस वोक्स के साथ टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड का बिल्कुल जाना चाहेगा। जेम्स एंडरसन के लिए पिछला टेस्ट मैच ठीक ठाक रहा था, जो उनसे उम्मीद बिल्कुल रहती है हमेशा से, उस हिसाब से जो है उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये 11 खिलाड़ी ज़रूर आपको टीम इंग्लैंड के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देखते हैं कितनी शानदार परफॉर्मेंस जो इंग्लैंड की टीम दे पाती है, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में ज़रूर इनके हाथ में मैच था, लेकिन भारतीय टीम ने जो है
बिल्कुल एक बेमिसाल अंदाज में जो है जीत हासिल करी थी। देखते हैं इन 11 खिलाड़ियों में कितना जो है दमखम है जो कि भारतीय टीम को अगले टेस्ट मैच में टफ फाइट दे सके। अब बात कर लेते हैं पिच और वेदर की। तो सबसे पहले वेदर पर नज़र डाली जाए तो यहाँ का मौसम जो है ओल्ड ट्रैफर्ड का थोड़ा सा डरा रहा है, क्योंकि पहले दो दिन बारिश की संभावना है। इनफैक्ट पाँचों दिन की अगर मैं बात करूँ तो सूरत हाल जो है वो बारिश से पूरी तरीके से भरा हुआ नज़र आ रहा है। क्लाउड कवर जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा पाँचों दिन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है बारिश की वो पहले दो दिन है। ओवरऑल अगर बात करी जाए रेन प्रोबेबिलिटी की तो तकरीबन 80% चांस जो है वो रहेगा इस पूरे मैच में। ह्यूमिडिटी तकरीबन 88% रहने वाली है, और उम्मीद आप यही करिए कि भैया जो इंद्र देवता हैं वो दूर रहें, मौसम के हिसाब से मैच जो है पूरा हो, कंप्लीट फिनिश हमको देखने को मिले, पाँचों दिन जो है पूरी तरीके से खेल हो पाए, और भारतीय टीम ज़रूर इस मैच में एक बार फिर से जो है 3-1 से, हम तो यही चाहेंगे कि टीम जीते, उसमें मौसम जो है बिल्कुल मेहरबान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पिच को लेके। अब देखिए पिच जो है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी रहती है ओल्ड ट्रैफर्ड में, कि बल्लेबाजी के हिसाब से पिच जो है काफ़ी अच्छा खेलती है, स्पेशली तीसरे और चौथे दिन ज़रूर स्पिनर्स आपको जो है तीसरे दिन के ऑनवर्ड से आपको स्पिनर्स गेम में आते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट 32 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीते हैं। जी हाँ, 82 मैचेस अब तक ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर हुए हैं, जिसमें 32 बारी जो है पहले बल्लेबाजी जिस टीम ने करी है उसने जीत हासिल करी है। वहीं 15 मुकाबले जो है दूसरी बारी जब टीम ने बैटिंग करी तो उसके हाथ में गए हैं। तो ओवरऑल आई गेस इंडियन टीम अब यही चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी जो है हमने जिस तरीके से ओवल के मैदान पर करी थी, भले ही 191 रन हमने बनाए थे, लेकिन जब आप 368 रन का टारगेट दे देते हैं, चेज करना जो है आसान नहीं होता इंग्लैंड में, स्पेशली पाँचवें दिन। तो देखिए बॉल जिस तरीके से मूव किया है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव के साथ साथ अगर मैं बात करूं शार्दुल ठाकुर का, आई गेस इंडियन टीम वापस से पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। बैटिंग के हिसाब से मैं ज़रूर इस पिच को तकरीबन 60% एडवांटेज देता हूँ, वहीं 40% का आंकड़ा जो है वो गेंदबाजी में जाएगा, और अगर हम इसमें डीप में जाते हैं गेंदबाजी में तो 60% ऑफ चांस जो है फास्ट बॉलर्स को अच्छे खासा एडवांटेज मिलने वाला है, के साथ साथ 40% ऑफ चांस जो है एडवांटेज के तौर पर स्पिनर्स भी आपको इस पिच पे अच्छा खासा दमखम दिखाते हुए दिख सकते हैं। तो ये थी पिच और वेदर की रिपोर्ट, कि किस प्रकार जो है ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर में जो है दोनों ही डिपार्टमेंट्स में खेल किस प्रकार रहने वाला है। अब बात करते हैं कि प्लेयर्स की। अब देखिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय टीम के लिए कप्तान साहब विराट कोहली जो हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तीसरे टेस्ट मैच में नजर आए थे। शतक भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो 50-40 के जो स्कोर हैं वो भी क्लास बैटिंग जो है विराट कोहली कर रहे हैं। विंटेज कोहली के शॉट्स हमको ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। जस्ट एक मैटर ऑफ टाइम है जब शतक आएगा, तो आई थिंक फिर जो है बिल्कुल झड़ी लगती हुई नजर आएगी शतकों की। तो इंडियन टीम के लिए बल्लेबाजी में विराट कोहली ज़रूर जो है की प्लेयर की भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। तो देखिए इंग्लैंड के पास जो रूट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन चौथा टेस्ट मैच इस खिलाड़ी के लिए कुछ खास नहीं रहा था। 500 से अधिक ज़रूर इन्होंने इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में रन बना लिए हैं। क्या ये पांचवे टेस्ट मैच में जो टीम का मिडिल ऑर्डर है जो इनके इर्द गिर्द ही एक तरीके से रोटेट करता है, इस तरीके से जो रूट परफॉर्म करेंगे काफ़ी कुछ जो है इंग्लैंड की जीत और हार बिल्कुल डिसाइड करेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्लेयर की। तो भैया यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का नाम आएगा, क्योंकि स्पेल जो इन्होंने ओली पोप को और जॉनी बेस्टो को डाला था, आई थिंक बहुत समय बाद टेस्ट क्रिकेट में ऐसा स्पेल देखने को मिला है। वसीम अकरम और साथ ही साथ बात करूं वकार यूनिस के स्पेल की मुझे याद आ गई, वो जो एरा रहा था आई थिंक 90s और अर्ली 2000s का, उस दौरान जब मैच फंसा होता था और वहां से पाकिस्तानी टीम को कई मैच जो है दोनों की जोड़ी ने जिताए थे, और उनमें से ऐसा ही कुछ जो है करके दिखाया है जसप्रीत बुमराह ने। याद दिला दी है पुराने ज़माने की, और जसप्रीत बुमराह ज़रूर भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं। तो ये थे तीनों खिलाड़ी जो कि अपनी टीम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, कि प्लेयर की भूमिका ये तीनों खिलाड़ी बिल्कुल निभा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैंटेसी 11 की। तो भैया सबसे पहले विकेट कीपर्स के स्लॉट पर आते हैं, जहाँ पर जॉनी बेस्टो और ऋषभ पंत को आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बल्लेबाजों की अगर बात करी जाए, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और जो रूट के साथ आप ज़रूर जो है फैंटेसी 11 बना सकते हैं बल्लेबाजी की कैटेगरी में। इसके बाद अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। देखिए आप ऑलराउंडर्स में सबसे पहले मोइन अली और उनके साथ रविंद्र जडेजा,
दोनों की अगर बात करी जाए ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में तो जडेजा और मोइन अली जो हैं काफ़ी हद तक अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स चाहेंगी कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में दोनों ही जो ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो इन दोनों को आप ज़रूर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी 11 में। इसके साथ साथ गेंदबाजी में अब हम आ जाएं, देखिए यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन और फिर अंत में जो है ओली रॉबिन्सन के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। कप्तानी की अगर बात करें तो भैया कप्तानी करेंगे जो रूट और वहीं वाइस कैप्टनसी करेंगे जसप्रीत बुमराह। तो ये थी पूरी फैंटेसी 11 जिसके द्वारा जो है आप बेस्ट 11 खिला सकते हैं, प्रोडक्टिव 11 आपके लिए काफ़ी ये साबित हो सकती है। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या हमारी टीम जो है जो 14 साल का सूखा जो वनवास इंग्लैंड में चल रहा है इस बारी बिल्कुल मौका भी है दस्तूर भी है, देखते हैं क्या हमारी टीम जो है इस बारी फतेह हासिल कर पाएगी, क्योंकि टीम अच्छी खासी नज़र आ रही है और इंग्लैंड की टीम इस वक्त डाउन एंड आउट है। ये परफेक्ट मौका है मैं कहूँगा इन टीम के लिए सीरीज जीतने का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, इसके साथ साथ पसंद आया वीडियो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा, स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।